कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे ये भालू के बच्चे। खाना खजाना मेरे जैसे बावर्ची का कमाल और पुराने मसालों का धमाल और उससे बनता है सेहतमंद खाना। ओह लगता है बकी आ गया। बॉंग, 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 बॉंग। बस करो बकी अंदर आओ। हे, क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं ऐसा नहीं है, खाना तैयार है। तो क्या बना है? टेस्टी बिस्किट? नहीं ये बिस्किट नहीं है। तो फिर क्या? केक? नहीं ये केक भी नहीं है, इंतजार करो। तो क्या? कपकेक? कपकेक नहीं। तो आइसक्रीम? वो भी नहीं। तो फिर क्या? क्या हम कुछ खाएंगे या नहीं? ये रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये रेसिपी हम उत्तर में बनाते हैं। वैसे ये है क्या? सूप? हाँ, बुजुर्ग भालुओं ने कहा है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए और इस सूप में बहुत सी टेस्टी चीजें हैं, मशरूम, पत्ता गोभी और गाजर। बस करो, तुमने तो कहा था आज फीका खाना नहीं खाएंगे, तुमने कहा था अच्छा खाना। मेरे यहाँ तो यही खाना अच्छा होता है, हम लोग इसे कहते हैं सर्दी की खिचड़ी और इसके लिए मैंने मशरूम्स की नई पोटली भी खोली थी। तुम्हारा शुक्रिया बियॉन, पर सूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे अच्छा रहेगा कि मैं अपने यम्मी चिप्स खा लूं। मैं उतना भूखा भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर तुम वो चिप्स क्यों खा रहे हो, वो अच्छे नहीं है। देखना गर्मी खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। मैं तो सर्दियों में सोता हूँ, यानी मेरे लिए गर्मी खत्म नहीं होती। ये चिप्स मेरी सेहत नहीं बिगाड़ेंगे, ये बहुत अच्छे हैं और ये पकाने भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे उत्तर में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर में ये होता है वो होता है, उत्तर में सब बाबा आदम के जमाने का होता है। बताओ कोई मशरूम का सूप पीता है क्या? ये आज के जमाने का है, जो फैक्ट्रीज में बनता है मशीन और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं तो फिर अगली बार तुम खुद बनाना। अरे नहीं बियॉन, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए। इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कमाल का टाइम, मैं बनाऊंगा ऐसी रेसिपी बिल्कुल नई, चोगी सबसे स्वादिष्ट। ये रही, नहीं ये अच्छा नहीं है, तो इसमें मैं और क्या डालूं? हाँ इसमें बालू वाली कैंडी डालता हूँ। वाह बहुत मजेदार लग रहा है। ओह मुझे हॉट डॉग पसंद है और मिठाई भी, चॉकलेट क्यों नहीं, बर्गर, ये वाला बर्गर भी, थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा बिस्किट भी। अब खूब सारी चटनी, आइसक्रीम, कपकेक्स, शानदार लग रहा है, मजेदार, लज्जतदार। और इसे कहते हैं असली दावत। आइसक्रीम पिघलने से पहले बियॉन को बुला लेता हूँ। बियॉन तुम पागल हो जाओगे, तैयार हो जाओ क्योंकि ये तुम्हें पसंद आने वाला है। अरे वाह अच्छी मूर्ति है बकी। ये मूर्ति नहीं है बियॉन, ये मजेदार लज्जतदार डिश है जो मैंने बनाई है। पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता तुम्हें? सारे फ्लेवर्स को शामिल करने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ा। चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। क्या इसे खाना पड़ेगा? तुम सच कह रहे हो? यकीन मानो एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये तो बेकार है। क्या? बेकार है? नामुमकिन है ना बेकार। तुम ठीक तो हो ना बकी? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, ये सेहतमंद है। बकी ये हमारे ऊपर गिर रहा है, भागो! चली गई, खत्म हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ, क्यों? और मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बाकी, हम सब कुछ साफ कर देंगे और उसके बाद वापस तुम्हारी डिश बनाएंगे, तुम्हारी नई जमाने की बेकार घटिया और बड़ी डिश। बियॉन क्यों ना ऐसा करें, हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सूप बचा हुआ होगा, है ना? आराम से बैठो और ये लो। हाँ, ये रही। हाँ, हाँ।
स्वाद स्वाद में कटोरा मत खा जाना। या सर्दी की खिचड़ी। इसका नाम होना चाहिए पेटू बक्की का पसंदीदा। तुमने 10 कटोरे खा लिए, क्या मुझे एक और मिलेगा? दे दो ना। तारों की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। बोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू, तारों का नक्शा। हाँ, वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारा मंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं, पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या, कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं, हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। अब वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे किताब चाहिए, बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना, मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर, ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है, मैं तारा मंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी, बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारा मंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओ, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन, और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू, ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारा मंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल, देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारा मंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारा मंडल। कुछ तारा मंडल मेरे हैं, बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली नहीं बची। पियोन, रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारा मंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा तारा मंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है, बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारा मंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारा मंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारा मंडल जैसा, बाकी बिल्ली जैसी, और वो मीन तारा मंडल, मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाश गंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाश गंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है।
इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन, गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए। याद रखने का यंत्र। हे, ये हे, कैसे हो बकी? बियॉन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज ना भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र, फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त, ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, मैं शांत भालू हूँ, शांत, बहुत शांत भालू। ओ बियॉन, मैंने बना दिया, मैंने कमाल कर दिया, देखो। बियॉन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा, है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया, चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बाकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। अरे ये क्या, ये सफाई का वक्त है? बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? फूलों में पानी डालना है। कपड़े, आयरन, खाना पकाना। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त, भूलना नहीं, खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, बालू, टीवी देखना, खाना, भूलना नहीं, खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया सोने का? हाँ, क्या अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ, क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। चुप हो जाओ, मैं सपना देख सकता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बस करो, अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा, अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ, बस जाने दो बियॉन, उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे, मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है बाकी, याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं,
सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या? कुकुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ पर यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे, मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा, मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूंगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम्स सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते, अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे मशरूम। देखा मैंने क्या कहा था, सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे, कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओ, तो क्या हुआ, पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए? इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुव यह भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया, बाकी सुनो। हाँ मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ 12 सिंगों को जोड़ सकते हो। 12 सिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। हाँ
बकी है एक बकी और बियॉन है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने। करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? प्रकृति की खूबसूरती। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके पीछे कोई कैसे जा सकता है? बाकी पेड़ के बच्चे आया मजा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति, कहाँ है खूबसूरती, दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई, क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। हैं? प्रकृति को देखना चाहिए शांति से, और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूंगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड, गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे प्रकृति। ओ, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है, अब मैं क्या करूं? सोचो बकी। हाँ, कोई बात नहीं, बियॉन को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी, एक ड्रामा के लिए। जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता, बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी, बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम, प्रकृति कैद हो गई, और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो बदमाश प्रकृति? यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन, मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है,
प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति, तुम मजेदार हो। हवाई सफर। कैसे हो बियॉन मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? बाकी मैं ठीक हूँ, मैं बस कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि तुम घूमने जा रहे हो, क्या मैं साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो साथ चलें। मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन पैदल नहीं, सफर धीमा हो जाता है और ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते और मैं खो भी सकता हूँ। हम नहीं खोने वाले क्योंकि मेरे पास ये कंपास है। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी है ना तुम्हारे पास? बढ़िया, ये चलेगी। कल सुबह अपना सामान लेके मेरे घर आ जाना, अब आएगा मजा। हाय बकी। अरे ये क्या है, ये क्या चीज है बकी? ये हमारे लिए है, गर्म हवा का गुब्बारा। आ जाओ ऊपर आओ, अब निकलते हैं सफर पर। मैं उड़कर सफर नहीं करना चाहता बकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उड़ता भालू नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं, बलून में हमारे साथ हमारा सामान भी आएगा और इसमें से हम खोएंगे नहीं, ऊपर से सब दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही भी है तो भी आज उड़ने के लिए मौसम खराब है। समझ गया, तुम्हें उड़ने से डर लगता है। क्या? मैं नहीं डरता उड़ने से। क्या वाकई? मुसीबत। हे बकी, कुछ करो बियॉन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये तूफान है। मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी दक्षिण में आ गए हैं। तुम्हें पता है मैं इस तरफ कभी नहीं आया हूँ। हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा बियॉन? जब तक ये तेज हवा बंद नहीं हो जाती तब तक हम उड़ते रहेंगे। माफ करना, मैं इस पर घूमना चाहता था। ये तो बहुत तेज है। सांस रोको, हमारी मदद करो। देखो कितनी बड़ी क्रेन, ध्यान से पहाड़। अरे ये तो ज्वालामुखी है। ये गुब्बारा रुकता क्यों नहीं? हाँ तुम सही थे, गुब्बारे से सफर करना ठीक नहीं, अब हमें पैदल घर जाना चाहिए। लेकिन घर है कहाँ? हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता। तो मैं भी क्या करूँ, तुम्हारे पास कंपास है ना, निकालो। अरे हाँ, वो तो मेरे सामान के साथ ही था जो शायद तुम्हारे घर पर छूट गया। बढ़िया, अब बताओ हम क्या करें, घर कैसे जाएं, मुझे जाना है। बाकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम सही हो दोस्त, हम तुम्हारे इस गुब्बारे में सफर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये तो कमाल का तरीका है बियॉन, बहुत जबरदस्त नजारा है। बाकी रास्ता भी बताना है, ये मत भूलना। अपना काम करो, लेफ्ट जाओ, बढ़िया, ज्वालामुखी फिर से दिखा, अब राइट जाओ, सीधे चलो, सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाओ ताकि मैं भी हवाई सफर कर सकूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से गुब्बारा खींच रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। ओह मेरा मफलर। अरे वाह, हम बिजली के खंभे तक आ गए, राइट को चलो। ठीक है। बाकी दूसरी तरफ। ओ बकी, तुम्हारा घर दिख गया।
हाँ, सफर मजेदार था। क्यों ना कल उत्तर की तरफ खो जाएं? तुमने क्या कहा? बियॉन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। यही कारण है भालू के पंख न होने का।